मई महीने के दौरान किसान मक्का, ज्वार, अरबी, अदरक, हल्दी, सोयाबीन, मूंग, उड़द और संकर नेपियर घास की फसलीकरण कर बढ़िया मुनाफा कमा सकते हैं। ये फसलें तकरीबन 50 से 60 दिनों में तैयार हो जाती है। ऐसे में इन फसलों के सहारे किसान कम समय और कम लागत में ज्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। नमस्कार, मैं अश्विनी वानखड़े और स्वागत है आपका कृषि न्यूज में। कृषि जागरण द्वारा 26 अप्रैल को इंटरनेशनल सीड डे के अवसर पर दो सत्र में आयोजन किया गया, जिसमें पहले सत्र में कृषि वैज्ञानिक और किसान मौजूद रहे, जिन्होंने बीजों की किस्मों, बीजों की गुणवत्ताओं की प्रक्रिया के बारे में जानने के लिए अपने विचार साझा किए। इसी के साथ दूसरे सत्र का आयोजन शाम 4 बजे टाइम टू कंजर्व प्रोटेक्ट टू रिव्यू इंडिजीनियस सीड्स इस विषय पर किया गया, जिसमें सीड पॉलिसी के बारे में महत्वपूर्ण चर्चा की गई। इस सत्र में बीज कंपनियों के डायरेक्टर और राष्ट्रीय बीज निगम से कई गणमान्य अतिथि मौजूद रहे। सीड का पहले हमारा हरियाणा का या जो अपना इंडिया का है देश का है, तो उसका लगभग 10 या 15% भी हम लोग सीड प्रोडक्शन उतना नहीं कर पा रहे हैं। तो इसमें जो है डेटो टेक्नोलॉजी सेंटर जो है हमारा, हम हरियाणा के लिए अभी काम कर रहे हैं और दूसरे स्टेट्स के लिए जैसे पंजाब, यूपी और इसमें जो है नॉर्थ ईस्ट जो स्टेट्स हैं हमारी, उसके लिए भी हम लोग काम कर रहे हैं। इसमें हम लोग सीड प्रोडक्शन, पोटैटो का सीड प्रोडक्शन करवा रहे हैं। हमारे पास यहाँ फैसिलिटी में जो है लैब है, हमारे पास लगभग 10 लाख प्लांट्स का लैब है हम लोग। उसके अलावा लगभग 70 एकड़ का हमारे पास ओपन फील्ड एरिया है जिसमें हम लोग सीड प्रोडक्शन कर रहे हैं। टोटली मैकेनाइज है सारा का सारा, प्रोसेसिंग का जो मतलब इसका ग्रेडिंग है और इसका जो दूसरा जो पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट है वो सारा मैकेनाइज है। नई दिल्ली स्थित उजवा के कृषि विज्ञान केंद्र में 25 से 30 अप्रैल तक किसानों में उचित जागरूकता पैदा करने के लिए केवी के द्वारा किसान भागीदारी प्राथमिकता हमारी इस विषय पर किसान मेले का आयोजन किया गया, जहां आज उद्यमियों द्वारा विकसित कृषि और बागवानी उत्पादों, कृषि आदान प्रदानों और कृषि मशीनों को मेले में प्रदर्शित किया गया। किसान मेले में वैज्ञानिकों, कृषि विशेषज्ञों, विस्तार कार्यकर्ताओं, नीति निर्माताओं और लगभग 300 किसानों ने हिस्सा लिया, जहां कृषि जागरण की टीम भी एज अ मीडिया पार्टनर मौजूद रही। किसान भागीदारी प्राथमिकता हमारी इस अभियान के तहत आत्मा स्कीम कृषि एवं किसान कल्याण विभाग गुड़गांव और कृषि विज्ञान केंद्र शिकोपुर के संयुक्त प्रयास से गुड़गांव स्थित शिकोपुर के कृषि विज्ञान केंद्र में किसान मेले का भव्य आयोजन किया गया, जहां बड़ी संख्या में किसान मौजूद रहे। ओसिस एग्रोलाइफ का V2 नामक प्रोडक्ट है जो धान में बेकाने रोगों को नियंत्रित करता है, जो कि कवक रोधी है। कंपनी का यह पहला V2 प्रोडक्ट है जो किसानों के लिए बेहद फायदेमंद है, क्योंकि ऐसा दावा कंपनी द्वारा किया गया है कि मार्केट में अभी तक ऐसा कोई प्रोडक्ट आया ही नहीं है। आपको बता दें कि इस प्रोडक्ट के 15 ग्राम पाउडर को 15 लीटर पानी में मिलाकर फसल पर छिड़काव करने से ये रोगों को जड़ से खत्म कर देता है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भारत की शिक्षा प्रणाली का भगवाकरण करने के लिए RSS और नरेंद्र मोदी सरकार पर एक नया हमला किया है। गांधी ने कहा कि RSS का अब प्रभावी रूप से मतलब है कि ये राष्ट्रीय शिक्षा श्रेडर है। राहुल गांधी ने राष्ट्रीय शिक्षा श्रेडर नामक एक कागज कतरने की मशीन की एक तस्वीर साझा की, जिसमें कागज का एक टुकड़ा कुतरते हुए दिखाया गया। थ्रेडिंग मशीन में जाने वाले पेपर में सेंट्रल बोर्ड ऑफ सप्रेसिंग एजुकेशन शीर्षक के तहत लिखी गई वस्तुओं की एक सूची है। कतरते हुए विषयों में लोकतंत्र और विविधता, कृषि पर वैश्वीकरण का प्रभाव, कुटनिरपेक्ष आंदोलन, मुगल दरबार, औद्योगिक क्रांति, फैज की कविताएं, सांप्रदायिक सद्भाव और संस्था शामिल हैं। मोदी सरकार ने 25 से 30 अप्रैल तक खेती को लेकर एक देशव्यापी अभियान शुरू किया है, जिसका नाम है किसान भागीदारी प्राथमिकता हमारी। इसमें कृषि से संबंधित सभी संस्थान कार्यक्रम करेंगे, जिनका मकसद किसानों को लाभ पहुंचाना है। कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग हर कृषि विज्ञान केंद्र में कृषि मेला और प्राकृतिक खेती पर प्रदर्शनी का आयोजन करेगा, जिसमें देश के 720 केवी के शामिल हैं। आपको बता दें कि इस अभियान में डेयरी, ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग भी सहयोग देंगे। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार 2.0 कृषि के क्षेत्र में क्रांति लाने के लिए लगातार प्रयासरत है और इसी के चलते खेती को बढ़ावा देने के लिए योगी सरकार कई योजनाएं लेकर आई है। दरअसल 2000 करोड़ की लागत से अगले 5 सालों में प्रदेश में 1 लाख सोलर पंप स्थापित किए जाएंगे और इसके पीछे राज्य सरकार का उद्देश्य बिजली की खपत और खेती में लगने वाली लागत को कम करना है और इसका लक्ष्य पूरा करने की जिम्मेदारी कृषि विभाग को सौंपी गई है। कोरोना महामारी के दौरान सरकार ने गरीब परिवारों को मुफ्त राशन देना शुरू किया था। सरकार की तरफ से शुरू की गई ये व्यवस्था
गरीब परिवारों के लिए अभी तक लागू है, लेकिन सरकार की जानकारी में ये आया है कि कई राशन कार्ड धारक इसके योग्य ही नहीं हैं और वे फ्री राशन का लाभ उठा रहे हैं। वहीं योजना के पात्र कई कार्ड धारकों को इसका फायदा नहीं मिल पा रहा है। ऐसे में अधिकारियों के माध्यम से अपात्र लोगों से तुरंत राशन कार्ड सरेंडर करने के लिए कहा जा रहा है। अगर कोई अपात्र व्यक्ति राशन कार्ड सरेंडर नहीं करता है तो जांच के बाद उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। रिसर्च के अनुसार एक फूल वाला पौधा दोबारा से अस्तित्व में आया है। इसे वैज्ञानिकों ने प्रकृति का सच्चा उपहार कहा है। ये पौधा 40 साल पहले लुप्त हो गया था, हालांकि इतने साल बाद दोबारा से इस पौधे के मिलने से वैज्ञानिकों ने खुशी जताई है। रिसर्च में कहा गया है कि नवंबर 2021 में इक्वाडोर में वैज्ञानिकों की एक टीम ने इस फूल वाले पौधे की खोज की है। तो वहीं देश के कई राज्यों में इन दिनों भीषण गर्मी पड़ रही है। गुजरात, दिल्ली, यूपी समेत कई राज्यों में तापमान 40 डिग्री से अधिक बना हुआ है। गुजरात, बिहार, झारखंड और राजस्थान समेत कई राज्यों में लू की स्थिति भी बरकरार है। इसी तरह की अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिए कृषि जागरण के साथ। धन्यवाद।